दोस्तों क्या होगा अगर स्टोन कोल्ड सीईओ सिनिस्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी करे। सबसे पहले द वाइटफुल ने बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोन कोल्ड सीईओ ऑस्टिन और रोमन रेंस के बीच एक मैच की योजना बना रखा था, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्रॉक लेसनर के खिलाफ स्टोन कोल्ड का मैच होगा। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के 24 जनवरी के एपिसोड के दौरान डेव मेल्सर ने इस न्यूज की कन्फर्म की। रॉ के 23 जनवरी के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर ने वापसी की और बॉबी लैशली पर हमला किया। फिर रॉयल रंबल के दौरान बॉबी लैशली ने लेसनर को एलिमिनेट कर दिया और हमने रॉ के हालिया एपिसोड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट देखा जहां बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर पर अटैक किया और एलिमिनेशन चेंबर में इन दोनों का मैच होने वाला है। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बीच फ्यूड शुरू कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2004 में गोल्डबर्ग के साथ ब्रॉक लेसनर के फ्यूड के दौरान स्टोन कोल्ड और ब्रॉक लेसनर के बीच फाइट सेगमेंट हुआ था, लेकिन उनका कभी भी एक दूसरे के खिलाफ मैच नहीं था। तो यह सभी रेसलिंग फैंस के लिए एक ड्रीम मैच है। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप ब्रॉक लेसनर के खिलाफ स्टोन कोल्ड का मैच देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।